सो है वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग्स। तो गाइस सर अभी देख सकते हो कि मैं अभी रेलवे स्टेशन पर आया हुआ हूँ और सॉरी इसके लिए कि मेरा फ़ोन चार्जिंग नहीं था और मैं घर से व्लॉग्स को कंटिन्यू कर पाता। तो मैंने सोचा कि मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत चार्जिंग भी है तो मैं यहीं से व्लॉग्स को स्टार्ट कर दूँ। सो आज का व्लॉग्स मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ और मैं आया हुआ हूँ अभी रेलवे स्टेशन पर जो कि मुरादाबाद का है और मुझे जाने का है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो मुझे जाना है यहाँ से मुरादाबाद से देहरादून, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ के स्टेशन पर थोड़ा घुमाता हूँ क्या है क्या नहीं है यहाँ का नज़ारा। तो सो आप लोग मेरे बैकग्राउंड के पीछे आप लोग देख ही सकते हो। और एक बात और बता दूँ कि मेरे साथ में तीन चार बंदे हैं जो कि एक एक शायद कहीं इधर बैठा हुआ है और उनमें से दो मेरे पीछे हैं, एक ये रहा मुसाइद और एक और हैं जो कि कहीं पे जा रखे हैं अभी और एक उधर है। हम लोग पूरे चार बंदे हैं तो हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ से 11 बजे चलेंगे, वहाँ पर शायद हम सुबह में पहुँच जाएँगे, लगभग 4 बजे सुबह में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं वहाँ पर भी आपको जैसे ही पहुँचूँगा वो दिखा दूँगा, ठीक है, वहाँ का कि क्या है देहरादून का। और मैं यहाँ से भी, ठीक है, तो बताता हूँ। अपने निर्धारित समय से 3:15 की देरी से चल रही है, जिसके यहाँ 22:32 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। यही हमारे मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमें किस ट्रेन में बैठना है, अंदर का भी दिखाऊंगा। सो आप लोग देख ही सकते हो कि मैं अभी जस्ट यहाँ से आया था तो मैं यहीं तक आया। मैंने सोचा कि ला मैं व्लॉग को बनाऊं और आप लोगों के बीच लेकर के आऊं, ठीक है। तो यार मैं अभी व्लॉग बना रहा था, मुझे मैंने ध्यान नहीं था और फिर दूसरी बात कि मेरा फ़ोन भी इतना चार्जिंग नहीं था कि मैं व्लॉग्स बना पाऊँ, ठीक है। ओपन करता जस्ट स्विच ऑफ हो जाता फ़ोन, उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ का मुरादाबाद का ये रेलवे स्टेशन है और हमें अभी यहाँ से जाना है जस्ट ऊपर। अब देख सकते हो इसे गर्मी लग रही है और ये हवा कर रहा है अपनी, ठीक है। तो यहाँ से जाना है हमें, तो कुछ लड़के हमारे उधर पहुँच चुके हैं। सो फाइनली आज मैं सारा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चल रहा हूँ जस्ट ऊपर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो मुझे सीढ़ी पर जाना है और तो मैं चल रहा हूँ फाइनली सीढ़ी पर। तो अभी हमें इधर जाना है और भी इधर काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसी तरह से है और फर्स्ट एक ट्रेन और भी आ गया हमारा नीचे जो कि जाली की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा है शायद। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है। सो गाइस तेरा अभी देख सकते हो कि ट्रेन जा रही है और हमारी अभी आई नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ये हमारे यहाँ का मुरादाबाद ब्रो भाई, ये हमारे यहाँ का मुरादाबाद का स्टेशन जो कि खास काफ़ी बड़ा है और आप लोग देख सकते हो नीचे भी कि पब्लिक और वहाँ पर लिख रहा है मुरादाबाद, आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग जा रहे हैं अभी इधर, आगे दिखाता हूँ आपको, शायद आगे आगे चल रहा है और कुछ लोग मेरे पीछे हैं। सो यार गाइस तो फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है और हम लोग अभी निकल रहे हैं देहरादून के लिए। हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, आप लोग पीछे देख ही सकते हो ट्रेन हमारा चल रहा है, हम लोग अभी ट्रेन के अंदर ही हैं, ठीक है। सो मिलते हैं मुरादाबाद पहुँचने के, वो सॉरी देहरादून पहुँचने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेन के अंदर का है क्योंकि ट्रेन खास इतनी भरी भी नहीं है क्योंकि सारे पैसेंजर कुछ लेटे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं, भाई मस्ती में जा रहे हैं एकदम, खाली ट्रेन और रात का समय। और इधर की साइड भी अभी दिखा दूं, ये है मुसाइद इधर खड़ा है और ये है किधर बैठा है, इधर बैठे और यहाँ शहर गाइस फाइनली उतर चुके हैं इस वाली ट्रेन से, आप लोग देख सकते हो ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन। और मैं आपको पीछे भी इधर दिखा दूँ, इधर काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर इधर, ये देहरादून का रेलवे स्टेशन है और हम लोग इसी ट्रेन से आए थे, इसी वाले डब्बे से निकले हैं अभी अभी। चलो अब सो यार गाइस तो फाइनली आ गए हम स्टेशन से बाहर
और यहाँ से थोड़ी सी आगे है बस स्टैंड, जो कि कुछ थोड़ा से है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि अब आप देख सकते हो मैं बस स्टैंड पर पहुँच ही गया हूँ। तो ये है बस स्टैंड, यहीं से हमें मिलेगी मसूरी के लिए गाड़ी और यहीं से हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है, सीधा बैठ के मसूरी।